सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करूँगा जी मेरी सीनियर लीडरशिप का, श्री अरविंद केजरीवाल साहब का जो साढ़े आम आदमी पार्टी के अपना सुप्रीमो आ। उस तो बाद संदीप पाठक जी जिहड़े पंजाब के आम आदमी पार्टी के इंचार्ज आ। उस तो उपरंत जिहड़े साढ़े इंचार्ज साहब आ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, श्री अमन अरोड़ा जी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार, फिर सरदार दविंदर सिंह जी लाडी ढोस जो उन्होंने नाल इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुकाबले किए देखते जी बड़ा। उस तो बाद धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मैं शामिल किया, मैनू डिगे पे नू मेरे सिर ते हाथ रखा, मैं हौसला दिता सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब, जिन्हां दी बदौलत मैं दोबारा हौसले च आया तो मैं इस योग होया कि मैं इलैक्शन लड़ सका। उन्हां दा कोटन कोट धन्यवाद सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप का, जिन्हें भी मेरे इस हल्के दे वर्कर साहबान आ लीडर साहबान आ जिन्होंने मैं इस योग समझिया, मेरी सिफारिश की, मैं इस काबल समझिया कि मैं इतों इलैक्शन लड़ सका। सारे धन्यवाद। मुकाबले कि देखते सर, मुकाबले देखे तो काफ़ी व्डे व्डे लीडर भी आ रहे हैं, हरेक पार्टी और निगाह भी ज्यादातर गिदरा देखा जा रहा जिन चोन। देखो फिर गल उ आ जाती है कि मैं एक बड़ा निमाणा जहा बंदा जी, इलैक्शन जरूर मैं लड़िया दो बारी, बट मेरे को रुतबा नहीं रहा। जिहड़े मेरे विरोधी आ जी, सब तो पहला मैं गल करूँगा सरदार सुखबीर सिंह जी बाल साहब की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सेंटर दे वजीर रहे आ, एम पी रहे आ, एम एल ए रहे आ, पंजाब दे विच राज कीता, श्रोमणी अकाली दल दे मौजूदा प्रधान आ, सब तो वड्डे वो मेरे विरोधी। नंबर दो ते सरदार मनप्रीत सिंह बाल साहब, दो वार दे फाइनैंस मिनिस्टर, पांच वार दे एम एल ए बीजेपी बनी, वो कंटेस्ट मेरे अगेंस्ट करनगे। तीजे सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, तीन वार दे एम एल ए, एक वार दे एम पी, यूथ कांग्रेस पार्टी दे ऑल इंडिया दे प्रधान, पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे मौजूदा पंजाब दे प्रधान, ये सारे मेरे विरोधी है जी। तो मैं कौन हाँ? कल्ला हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों, तो आ लोग जिहड़े मैनू प्यार करन वाले आ इस हल्के दे, मेरा परिवार ये आ, साडी आही आ, मतलब कि साडी ऐ समझ लो भी साडी मैरिट मेरी यही आ। पिछले जी मुकाबला देखा तो बड़ा थोड़ा जा रह गया सी जी, हाँ जी जित ते जमा समझ लो जमा हाथ ला के हाँ वापसी हुई है, हाँ जी हुण किवें लग रहा जी, किवें उहनू करोगे पूरा जी, और तुसीं जिवें लोकां च विचर रहे हो किस तरह का रुझान मिल रहा? उहदे च इह सी जी कि पिछली बार जिहड़ी साडी कसर रह गई मेरे विरोधी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग उदों उस टाइम दे कैबिनेट मिनिस्टर सी, पूरी पावर सी, कांग्रेस पार्टी की पूरी चढ़ाई सी, पैसे सरकार ने बड़े वंडे क्योंकि बड़े फंड्स लेके आए सी, एकती फर्क सिर्फ आही आ कि सरकार मेरे नाल आ, सरकार मेरे नाल आ। उदों वो कैबिनेट मंत्री सी, हुण कैबिनेट मंत्री सारे मेरे नाल होणगे, इत्थे साडे नाल होणगे, प्लस लोकां दा जिहड़ा प्यार सत्कार मेरे नाल जुड़िया हुआ, एक दूजे ते असी नाल विचरदे आ, वो मेरे दुख दे सुख दे आउंदे आ, मैं उहनां दे जाणा, असल साडी वो बाउंडिंग आ। इह सारियां चीज़ां दा सुमेल हो के मैं परमात्मा तों डर के ते लोकां दे आशीर्वाद करके मैं ये बयान देन लग्या कि ये सीट असी जित के आम आदमी पार्टी की झोली पावांगे। मेरी गल याद रख्यो, 23 तरीक नूं बड़े सोहणे मार्जन जित के आवांगे। फिर सर जिवें कहिंदे इक ते इक दो नहीं, इक ते इक 11 हो जांदे आ, तुहाडी भी वोट आ गई, हुण आम आदमी पार्टी की वोट है, लगता भी 11 दा सर होएगा जी? बिल्कुल होएगा जी, 100% होएगा जी, 100% होएगा, और तुहानूं वेखण नूं ये गल मिलेगी 23 तरीक नूं, तुहाडे सामने रिजल्ट आऊगा कि हाँ जी जो डिंपी ने अज 20 तरीक नूं कहा सी उही होया। पंचायती चोणां दौरान भी बड़े सवाल जे चके गए आ, कोई होऊगा सर कोई उस तरह दा, कोई लग रहा तो कोई लोकां दा? मैनूं नहीं कोई लग रहा सी, क्यों एक्चुअली की है ना जी, देखो हर हल्के दे विच खास करके इत्थों दे दो धड़े हुंदे आ जी, एक अपना धड़ा हुंदा जी, एक धड़ा कांग्रेस दा हुंदा जी,
ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।